नमस्कार, लोकमत खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। उपराज्यपाल ने डीडीए अधिकारियों के साथ दिल्ली में चल रही सीलिंग को लेकर की बैठक, व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद। आज दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास पर डीडीए की बैठक में दिल्ली में चल रही सीलिंग को लेकर अहम प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें कन्वर्जन चार्ज जो 10 गुना है वो कम करके 2 गुना करने का फैसला किया गया। माना जा रहा है कि एलजी की बैठक के बाद दिल्ली में व्यापारियों को सीलिंग से राहत मिल जाएगी। दिल्ली में चल रही सीलिंग के विरोध में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 48 घंटे का बंद बुलाया है, जिसकी वजह से दिल्ली के सारे प्रमुख बाजार आज बंद है। मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट के खिलाफ आरएसएस के अनुवांशिक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने किया प्रदर्शन का ऐलान। मोदी सरकार के बजट से मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वर्ग के साथ साथ भारतीय मजदूर संघ भी निराश है। आरएसएस के सहयोगी संगठन ने बजट को निराशाजनक बताते हुए देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि बजट में मजदूरों और नौकरी पेशा वर्ग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच जलीकट्टू मामले की करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में जलीकट्टू का मामला चल रहा है। आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि इस मामले पर संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ये तय करेगी कि क्या जलीकट्टू और बैलगाड़ी रेस संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार के तहत आते हैं या नहीं। संविधान पीठ ये भी तय करेगी कि क्या जलीकट्टू और बैलगाड़ी रेस राज्य की संस्कृति का हिस्सा है या नहीं। जज लोया के मौत के मामले की जांच को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विशेष सीबीआई जज बीएच लोया की कथित तौर पर रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत की एक स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बीएच लोया सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। लोया की 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। राजस्थान में बीजेपी की हार पर करणी सेना ने मनाया जश्न। राजस्थान में अलवर और अजमेर लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस की जीत पर करणी सेना ने जोरदार जश्न मनाया। कांग्रेस ने दोनों लोकसभा सीटों के साथ ही मांडलगढ़ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। करणी सेना के मुताबिक पद्मावत के विरोध में राजस्थान सरकार ने उसका पक्ष ठीक ढंग से नहीं रखा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किसान आंदोलन में शामिल हुए बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एनटीपीसी पावर प्लांट और किसानों के बीच चल रही लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। किसानों को प्रशासन द्वारा जबरन गिरफ्तार करने और उन पर मामला दर्ज करने के बाद उनके पक्ष में केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा खुलकर सामने आ गए हैं। यशवंत सिन्हा ने किसान नेता शिव कुमार शर्मा कक्का जी के साथ मिलकर कलेक्टोरेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। डर्बन वनडे जीतकर भारत ने जीत से किया सीरीज का आगाज। विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डर्बन वनडे में शतकीय पारी खेलकर एक बार फिर साबित किया कि चेस करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं। विराट की 112 रन की बेहतरीन पारी की बदौलत टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से निर्धारित 270 रन के लक्ष्य को महज 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 6 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत न्यूज हिंदी के साथ।